गाइज इस क्वेश्चन को देखो, मजेदार क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 78 हमसे कह रहा है, एक बॉल है उसको किक मार दी गई। क्या मार दी गई? किक। अ बॉल इज किक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पर विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ। तो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, अगर आपने बॉल पर किक मारी है और वर्टिकल के साथ आपका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो जाहिर सी बात है 90 माइनस 30, आप इसको कहोगे 90 माइनस 30, क्योंकि पूरा एंगल जो है वो 90 का, 30 माइनस कर दो तो 60 डिग्री। हम हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, लिखोगे आप थीटा कितना होगा 90 माइनस 30 डिग्री, इट मीन 60 डिग्री विद किसके साथ, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ। अब एक बात बताओ, हमसे ये भी कह रखा है इफ द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 19.6, तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का क्या होता है? अगर आपको पता है कि ये u वेलोसिटी है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होता है, अगर ये थीटा है तो ये हो जाता है u cos थीटा, और वर्टिकल कॉम्पोनेंट होता है u sin थीटा। वर्टिकल कॉम्पोनेंट बॉल को ऊपर को खींचेगा, जबकि हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ाता है। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि u cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू दे रखी है 19.6। अब u ऐसे रहने दो, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये हो जाएगा 19.6। तो u इज इक्वल टू 2 डिवाइड का मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा 19 दुनी 38, और 6 दुनी 12, 38 और 12 कितने होते हैं भाई, 38 और 12 39.2 हो जाएगा ये, 39.2। तो आपके पास वेलोसिटी आ चुकी है 39.2, ये है मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को किक किया गया है, बॉल को किक किया गया। एक्चुअल में ये आपसे जानना चाह रहा था कि किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को किक किया जाएगा, तो उसके लिए इतनी सारी लैंग्वेज दे रखी थी। काम की बात अब आती है यहाँ से, हमसे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट। क्या निकलवा रहा है आपसे? मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, और साथ में हॉरिजॉन्टल रेंज। तो दोनों चीज़ें बता देंगे, मैक्सिमम हाइट भी बता देंगे और हॉरिजॉन्टल रेंज भी बता देंगे। दो कैसे बताएंगे बताता हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट, मैक्सिमम हाइट मतलब कितना ऊपर जा सकता, तो हाइट वाला फॉर्मूला लगाओ ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बताओ यू कितना आपके पास 39.2 स्क्वायर है, तो इसका मतलब यह है कि इसको दो बार लिखो, साइन स्क्वायर है, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो यहाँ वो 60 रख दो, और 2 और जी की वैल्यू आपके रख दो 9.8। इसको और सॉल्व कर लो, अभी फिलहाल इसको 39.2 × 39.2 ऐसे ही रहने दो। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है √3/2, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा 3, और जो 4 होगा इसका वो नीचे आ जाएगा 2 × 9.8 × 4। अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन बची हुई है, 39.2 को 9.8 से डिवाइड कर दो, और 39.2 को 2 से डिवाइड कर दो, जो बचेगा उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आ रही है मैक्सिमम हाइट की, वो वैल्यू लिख देता हूँ 58 point something आएगी, वैल्यू आ रही 58.8 मीटर, 58.8 मीटर में। तो ये वाली बात ध्यान रखना, 58.8। कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट जो है वो आप कर लें। तो ये आपके पास आ गई h मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दी, आप लोगों का भी हाथ पैर चलने चाहिए लगातार। अब इसका सेकंड पार्ट है रेंज का, क्या है रेंज का, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ, यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, वैल्यू रख दो यू स्क्वायर, यू की वैल्यू 39.2 स्क्वायर है, तो दो बार लिखोगे आप, साइन 2θ, थीटा कितना था 60 डिग्री, जब 60 का डबल करूँगा तो ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, और नीचे जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.8। इसको मैं यहाँ सही करके लिख सकता हूँ 39.2 × 39.2 × साइन 120 की वैल्यू, तो आप इसको कह सकते हो साइन 180 माइनस 60, इसको क्या कह सकते हो साइन 180 माइनस 60, तो साइन 180 माइनस 60 तो हो साइन 120 बैठ जाएगा,
साइन 180 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। तो वैल्यू आ जाएगी रूट 3/2, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी रूट 3/2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो साइन 90 + 30, तो साइन 90 + थीटा कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3/2। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, और 2 जो है उसका वो नीचे आ जाएगा, तो 2 × 9.8। अगेन वही वाली कैलकुलेशन है, 2 से डिवाइड करो, 9.8 से डिवाइड करो 39.2 को, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 135.8, ये मीटर में, रेंज भी मीटर में और हाइट भी मीटर में। तो ये पूछा गया था आप लोगों से और आप लोगों ने बड़ी आसानी से बता दिया, बस आपको शुरुआत में यू की वैल्यू नहीं पता थी, उसके लिए थोड़ी तिलगम लगानी पड़ी आपको, जो दे रखा था उस कंडीशन को यूज़ कर गए। ये भी समझा गया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कोस 60 डिग्री कैसा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इतना टफ नहीं है और टफ लगेगा भी नहीं आपको कोई सभी क्वेश्चन, अगर आप मेरे साथ लगातार बने रहते हो तो मैं आपको टफ लगने ही नहीं दूंगा। कॉन्सेप्चुअली आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि क्या होती है। थैंक यू सो मच, अगर क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं।